नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूरे देश में कोरोना वायरस से फैली महामारी से अब जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इस दौरान बढ़ती हुई जनसंख्या बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस लिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला प्रशासन ने सभी घरों में कंडोम, मालाडी और परिवार नियोजन किट बांटने का निर्देश दिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर मुफ्त में बांटती ये किट, जिसमें कंडोम, मालाडी और कापर टी मौजूद है। दरअसल ये कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए नहीं, बल्कि लॉकडाउन के बाद बढ़ती जनसंख्या सरकार के लिए लाइलाज मुसीबत न बन जाए, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आशा बहुओं की माने तो शहर शहर गांव गांव में लोगों को परिवार नियोजन के बारे में वो लगातार जागरूक कर रही हैं। रेखा देवी, क्या है आप? आशा के पद पे है। कहाँ पे? वही बेदवे पीस। आप किस तरह के आप लोग पीसी पे कार्यक्रम हुआ? हम आप लोग आज फैमिली प्लानिंग के बारे में हुआ। क्या बताया गया, क्या आप लोगों को? लॉकडाउन के अंतराल, जैसे कि घर पर सारे हस्बैंड रह रहे हैं, तो इसकी की अंतराल छाया माला एन कंडोम सब वितरण के कि घर पर है, तो ऐसे कि परिवार में जैसे जनसंख्या ना बढ़े। नगरीय क्षेत्र में अवैध इंचार्ज के पद पर तैनात है। अब किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? एनएम के द्वारा देखा जा रहा है कि ये गली गली भ्रमण। लॉकडाउन में सभी जो लक्ष्य दंपत्ति हैं, तो उनके जो प्रधान साधन एनएम और आशा के द्वारा कुल हमारे टोटल 25 आशाएं और 9 एनएम के द्वारा फील्ड में कार्य किया जा रहा है। उनमें माला एन, छाया, कंडोम, इजी पिल्स वगैरह जो भी प्रधान साधन है, इनके द्वारा प्रत्येक लक्ष्य दंपत्ति घर में जा जाकर दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के द्वारा जो है बड़ी संख्या में एनएम घर से बाहर आई है और उस स्थिति में घर घर जाके जो है जो भी परिवार नियोजन के जो भी किट है वो दे रही है, तो क्या कुछ इस मतलब निकलता है, इसका क्या वजह है? वजह है कि लॉकडाउन में सभी जो है पति पत्नी घर में रह रहे हैं, जिससे एक जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण हो सकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में सबको प्राणी में साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऊपर से आदेश आया था क्या कि मतलब जनसंख्या की बेहतरी हो सकती है, इसको लेकर संभव है? आशंका जताई जा रही थी कार्यक्रम के तहत में इसको एक शामिल कर लिया गया है लॉकडाउन की स्थिति में। आदेश उच्च अधिकारियों का निर्देश थे, सब कार्यक्रम चल, उसमें निर्देश था कि भी अर्बन में भी क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए जाएं। कितने एनएम लगे हुए हैं? 9 एनएम है। अब तक कितने लॉकडाउन पिछले एक महीने से अब तक लगभग कितने परिवारों तक इस योजना की जो पहुँचाया गया? लगभग अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 300-400 परिवारों तक दिया जा चुका है। कम से कम टोटल 25 आशा और 9 एनएम के द्वारा लगभग हमको लग रहा है कि 1600-1700 परिवारों को दिया जा चुका होगा। कोरोना वायरस से घरों में कैद पति पत्नी के लिए फैमिली प्लानिंग एक मनोरंजन का साधन न बन जाए, इसको लेकर सरकार भी खासा परेशान है। एसीएमओ की माने तो लॉकडाउन में जनसंख्या के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, इसी को लेकर हर घरों में परिवार नियोजन की किट बांटने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर वरुण कुमार, एसीएमओ परिवार कल्याण। सर, आज देखा गया कि एनएम के द्वारा जो है लॉकडाउन के दौरान डोर टू डोर जाकर जो है महिलाओं को जो है परिवार नियोजन के तहत जो है कुछ किट दिए जा रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया जा रहा है, तो सर क्या कुछ है इसमें और क्या इसका लाभ है? लॉकडाउन में सभी लोग, परिवार के सभी लोग घर पर ही हैं, कहीं कोई बाहर निकल नहीं रहा है, जो भी उनका मनोरंजन का साधन है वो घर ही पे है। इसके लिए जो है एक अभियान चलाकर आशा बहुओं को और जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको जो है परिवार नियोजन कैसे सीमित हो इस लॉकडाउन में, उसके लिए परामर्श दिया जा रहा है और जो है उसी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, और उसके लिए अगर किसी को ज़रूरत है निरोध और कापरपीत वो उसको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। तो सर कहीं ना कहीं ये माना जाए कि लॉकडाउन के दौरान इस बात का भी डर है कि लॉकडाउन के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, एक ब्लास्ट हो सकता है जनसंख्या को लेकर, इसे आप किस नज़रिए से? हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे आशा बहुओं के द्वारा जो है उनको परिवार कल्याण की
जो परामर्श दिया जा रहा है और उनके जो परिवार नियोजन परिवार कैसे सीमित रखा जाए उसके साधन भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपने को और लोगों से बनाए रखें। सर किस तरह के परामर्श दिए जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं? परिवार नियोजन के लिए जैसे आशा हमारे आशा बहुओं के पास जो है ये निरोध के किट्स होते हैं और जो है ये खाने वाली गोली होती है माला डी और उसको वो उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जनसंख्या में कुछ वृद्धि होगी अगर न दिया जाए तो? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये मान के चला जा रहा है। इसी के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए कि परिवार हमारी जनसंख्या इस लॉकडाउन के बाद अचानक वृद्धि न कर जाए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये साधन उपलब्ध करवा रहे हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।